हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू हिंदी ग्रामर ऑफ क्लास एट। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस वीडियो में चैप्टर टू यानी वर्ड विचार पढ़ चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। So, now we start। सबसे पहले हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, वर्ड की परिभाषा तथा इसके भेद बताइए। ये नोट्स मैंने कंप्लीट कर दिया है, सभी बच्चे इसे कॉपी पर अपने राइट कर लेंगे। ओके, वर्ड की परिभाषा तथा इसके भेद बताइए। उत्तर है, भाषा की लघुत्तम में छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की मूल ध्वनि है जिसके योग से सार्थक शब्दों की रचना होती है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं बताइए। हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। आगत ध्वनियाँ क्या हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। कुछ स्वर अन्य भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू से आकर हिंदी भाषा में मिल गए हैं, उन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे आ, इससे मिलते जुलते शब्द है कॉपी, डॉक्टर। नेक्स्ट है ज, इससे मिलते जुलते शब्द है जमीन, जरा। नेक्स्ट है फ, इससे मिलते हुए शब्द है फिजा, फन। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोगवाद से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। आंसर है, ऐसे वर्ण जो न ही व्यंजन के मेल से बनते हैं और न ही स्वरों के मेल से बनते हैं, उन्हें अयोगवाद कहते हैं। इसके तीन रूप होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है स्वर तथा व्यंजन, और नेक्स्ट क्या है, वर्ण संयोग तथा वर्ण विच्छेद, संयुक्त व्यंजन तथा वृत्त व्यंजन में क्या अंतर है हमें बताना है। ठीक है, तो पहला क्या था, स्वर तथा व्यंजन में अंतर। आप ऐसे ही राइट करोगे, दो कॉलम बनाओगे, स्वर तथा व्यंजन दोनों में क्या अंतर है, पॉइंट डाल के मैंने लिखा है, आप ऐसे लिख लोगे। पहला अंतर क्या है, स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। दूसरा अंतर क्या है, स्वरों की संख्या 11 होती है जबकि व्यंजनों की संख्या 33 होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, स्वरों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूते हुए या अलग अलग स्थानों से टकरा कर निकलती है, जैसे तालू में, दांत में आदि जगहों से टकराते हुए जी आवाज़ जो है बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग में अंतर। तो वर्ण संयोग क्या है, वर्णों के आपस में मेल को या मिलान को वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण विच्छेद क्या है, जबकि किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। यही वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद में अंतर है कि वर्ण संयोग में क्या होता है कि वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है, और वर्ण विच्छेद में क्या होता है कि वर्णों को अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त व्यंजन तथा द्वित व्यंजन में अंतर। संयुक्त व्यंजन क्या है, दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये चार होते हैं, छ, ये दो व्यंजन से मिलकर बना है छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी वर्ण दो दो व्यंजन से मिलकर बने हैं, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और द्वित व्यंजन में क्या होता है कि एक ही व्यंजन का शब्द एक साथ जब दो बार हो और पहला व्यंजन स्वर रहित यानी आधा वर्ण हो तथा दूसरा स्वर सहित होता है तो द्वित व्यंजन कहलाता है। ठीक है, द्वित व्यंजन के उदाहरण हैं बच्चा, पत्ता आदि। समान व्यंजन दो बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें समान व्यंजन दो बार प्रयोग हुआ, यहाँ में छूट गया आदि में। ठीक है, आप में पढ़ा लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चन आंसर थे
जिन्हें आपको कॉपी में राइट करना था। अब हम बुक के एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। क्या है? उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क में मूल ध्वनि की, मूल ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। तो क में मूल ध्वनि फिलअप करेंगे। ख में क्या फिलअप करेंगे? वर्णमाला। वर्णों के क्रमानुसार व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। थर्ड है, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। सो थर्ड में स्वतंत्र भरेंगे। नेक्स्ट क्या है? व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, इसमें स्वरों फिलअप करेंगे। अंग्रेजी, अरबी, फारसी भाषाओं के जो वर्ण हिंदी भाषा मिल गए उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं, यहाँ आगत फिलअप करेंगे। जो वर्ण न तो स्वरों के मेल से बनते हैं न ही व्यंजनों के, उन्हें अयोगवाह कहते हैं, यहाँ अयोगवाह फिलअप करेंगे। अब उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 48 है। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है वे कहलाते हैं स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बनते हैं दो व्यंजनों के मेल से। टर्न द पेज। वर्णों को पृथक करना कहलाता है वर्ण विच्छेद। निम्नलिखित वर्णों को उनके सही भेद से रेखा खींचकर मिलाइए। ओम, ओम का भेद क्या है कि यह प्लुत स्वर है, सो मैच कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन इन्हें बोलते हैं, ठीक है। श, ख, स, ह, उष्म व्यंजन है। और ये आ, ई, उ, ए, ए, ओ, ओ दीर्घ स्वर इनको कहते हैं, और अ, ई, उ, री को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को कॉपी पे कंप्लीट करेंगे और बाकी की चीज़ें आप बुक में ही कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।